लगातार 44 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन को एकजुट करने में महेश कुमार की जो भूमिका रही और लोगों को एक मनोरंजन के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत लोगों को बांधे रखा। हमारे बीच में महेश कुमार जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, आप इसे कितने उसको मानते हैं? सर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिया है हमारी यूनियन उसको एक्सेप्ट करती है और हम भी उसी लिए एक्सेप्ट करते हैं उसको। और उन्होंने कहा है कि जो सैलरीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ले रहा है दिल्ली के अंदर जी, उतनी हम बढ़ा देंगे, उतनी तक हम ले जाएंगे और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी बन जाएंगी और उतनी ही सैलरी हम दिलवाएंगे। ये उन्होंने कह के हमें आश्वासन दिया है कि LG से साइन मैं कराऊंगा, अगर वो नहीं करते तो मैं खुद जाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी कराना पड़े हम साइन करवा देंगे। इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करते हैं और आपका जो SMU न्यूज है इसका बहुत धन्यवाद करें। इन्होंने लगातार हमारे को मोटिवेट किया, हमारे को कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद SMU न्यूज का। सर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया एक राजनीतिक मसला बन जाए कि वो इसको अभी नहीं, जैसे अभी उन्होंने अपने व्याख्यान में बोला कि मैं एकदम ऐसा नहीं कर सकता, इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम की बाउंड्री संतोष उन्होंने नहीं बताई? सर, पहले भी हुआ है, कई बार आम आदमी पार्टी ने पहले भी वादे किए हैं और उन्होंने पूरे किए हैं। टाइम तो देखो लगता ही है, लेकिन उन्होंने फिर जैसे भी आज किया है तो वो 2017 अप्रैल से भी शायद इम्प्लीमेंट होंगे और पहले भी जो वादे उन्होंने किए हैं 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगे उनको इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन पैसे पीछे तक के मिले हैं। हम इन पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। यहाँ जेब में तो पैसे होते नहीं इतना हम भी समझते हैं और दिल्ली में LG का बहुत बड़ा रोल है, तो उनसे भी इन्होंने कराना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद साइन कराऊंगा, तो ये खुद जाएंगे तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे फिर देखेंगे, फिर आ जाएंगे हम कौन से घर जा रहे हैं, यहीं दिल्ली में हमारा घर है, यहीं बैठ जाएंगे फिर से।